हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। और मज़े की वीडियो है जिस पे रिएक्शन करने वाली हूँ। वीडियो का लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में। सो वीडियो है डिस कल्चर DHH रैप मेगा मिक्स। सो DHH रैपर्स हैं जो आई थिंक उनका जितने डिस जो कल्चर चलता रहता है, ये कल्चर ही बन चुका है एक एक्चुअली। सो जितनी उनकी बीफ चलती रहती है, वो डिस करते रहते हैं, आई थिंक उससे रिलेटेड कुछ होने वाला सॉन्ग में। सो इंटरेस्टिंग होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मज़ीद बताइए किस पे रिएक्शन करो, सजेशंस देते रहिए। तो जल्दी से वीडियो को प्ले करते हैं एंड लेट्स प्ले द वीडियो। देखते हैं कौन कौन से रैपर्स हैं इसमें। ये तो यंग सनर्स था ना, जो हमें वैसे पहले देखा है। क्या बोलते हैं छोटे दूसरे नहीं तो अब तक छोड़ दे। चूल्हा में चिंगारी सर बैठा, बदन पे कपड़े तब जिंदगी मास्क, तब समंदर पार से बोले वसा। डीएम में लड़कियां लिखती है गली गैंग, खाकी ठोक के तू सूरज पंचोली में चंद्रपोष है। शांति फैलाना रो देगा अगर अपन 17 बोले। मैं कहां से देखो पहुंचा, मैं कहां पे कृष्णा के नाम पे दौड़ी, आप पूरी आवाम में मिले दुआ के नाम पे धुआं। ये जानते क्यों आज कांपते देखे सांपे ने कुएं में झांक के पूरे एक साथ में करूं मैं तो असली कांड। जल्दी जाने की देखे मेरा असली काम, जल्दी बांध ये नकाब जैसे बद्रीनाथ में रजनीकांत की छपरी की फटरी गांड। रातों को जाग के मैंने जो करता वो जिंदगी मेरी मजाक नहीं, रुकते ना आंधी के आने से, सर फिरे लड़के जो आदत से पास नहीं। दिक्कतें काफी है देखी है धूप तो झेले है मैंने बरसात कई। वीडियो अच्छी है, मतलब जो वीडियो रैप की वीडियो बनाते हैं कमाल होती है। यंग सनर्स मुझे पता नहीं था कि इंडिया में भी बहुत मशहूर है। तेरा बाप सिखा देगा तेरे को ऐसा कुछ नहीं होती है। बस कर बे खेले पाओ, खुद तो आना भिड़ने हो कहा नल्ले पादों को बेजरे लग खेले पाओ। हिप हॉप की राखी ये ट्रेलर है, बहुत कुछ है बाकी। हरे कृष्णा हरे राम, अरे भाई 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 ये क्या हुआ। हरे कृष्णा हरे राम, अरे भाई 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 ये क्यों हुआ। हरे कृष्णा हरे राम, अरे भाई 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 ये क्या हुआ। हरे कृष्णा हरे राम, हाथ संभालो तेरे लगा हुआ बनता है रात को बेच। हम बैठ जाके जुड़ो कोई बैकअप, मुझे हरा नहीं गैंग लेके आ रही है बेचारे करे साउंड करो शूट सीधा बैकअप। इन्हें लगा हुआ बनता है रात को बेच। हम बैठ जाके जुड़ो कोई बैकअप, मुझे हरा नहीं गैंग लेके आ रही है बेचारे करे साउंड करो शूट सीधा बैकअप। तब मैंने किल किया आज जब दिल किया भैया, मैंने किल किया साफ मेरे दिल की बात हासिल किया था। जीरो रेली मौत स्मोक को तो किल किया। इतना अच्छा होगा अगर ये सारे टॉप DHH रैपर दोस्त बन जाए, साथ मिलके कोलैबोरेशन करें, कितना मजा आएगा। खानदानी स्टाइल बाप जैसा बेटा मैं रुकता नहीं भाई, खाता जहां पे मैं थूकता नहीं भाई, हक्का हूं खाता मैं लूटता नहीं भाई। साथ दिया जिसने भी भूलता नहीं भाई, औरों के बीच ज्यादा खुलता नहीं भाई, कच्चा मैं अपने उसूल का नहीं भाई हूं मैं, गिरता डेली क्योंकि रोज का। इसमें डिवाइन कृष्णा एमवी और यंग सनर्स का तो मुझे पता चल गया, लेकिन ये कोई रैपर है जिसको मुझे पता नहीं है जो इस वीडियो में है। खासता बॉय मेरे पास है, आज तक नेवर लैक द एनर्जी मेकिंग माय एनिमीज कैद मी लेवल पुट इन जेबडी चप इन द मेलोडी किलटी नंबर एमडी मेंटली फॉर द मसरी थेरेपी बिकॉज़ आई एम द विलेज। मुझे खेद है बहुत, मुझे कम बुलाया, चलो जब बुलाया गजब बुलाया, अब जब बुआया भूकंप लाया। चल बेटा अब सांस ले, किससे बिना ताप जान ले, खोलो तेरे सारे मामले, तुझ जैसा लोड़ू ना इतना तू मान ले। झूम झूम मेरा भाई, झूम झूम मेरा भाई, झूम 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 मेरा। DHH रैपर्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और मुझे ऐसा लगा जैसे डिस कल्चर थोड़ा कम हो रहा है अब। वेरी नाइस वीडियो और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। काफ़ी अच्छा रीमिक्स था, तो अगर सब का रीमिक्स इतना अच्छा बन सकता है तो अगर उनकी कोलैबोरेशन हो साथ में, वो गाने वाकई में इस तरह के बने तो कितने अच्छे लगेंगे, लेकिन पता नहीं। और मुझे ऐसा लगता है डिस कल्चर जो था ना वो 2018, 19, 20, 21 तक ही ज़्यादा था, तब भी सबकी लड़ाइयाँ चली थी। अब मुझे लगता है सब थोड़े मेच्योर ज़्यादा होते जा रहे हैं और वो थोड़ी सी बीफ थोड़ी सी कम हो गई है सब पे, ऐसा मुझे लगता है। पता नहीं इसमें अब सच है या नहीं सच, लेकिन मुझे क्योंकि जिसकी भी बीफ का मैंने सुना है वो थोड़ी 2-3 साल पहले की हैं, अभी पता नहीं किसी की शायद नहीं चल रही बीफ। और वैसे भी अब सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे के मतलब अपने कॉन्सर्ट में एक दूसरे का नाम ले रहे हैं या अपने सॉन्ग्स में। सो वो ऐसा लग रहा है जैसे कि सभी थोड़े मेच्योर हो रहे हैं, जिस तरह MC स्टैन जो है उसने भी स्टार्ट जो है वो कैसे किया था, लेकिन अब वो भी यू नो मेच्योरिटी की तरफ, एज से आज मतलब मुझे लगता है कि जब इंसान एक स्टार्ट करता है ना कि रैपिंग स्टार्ट करता है सो उसकी कुछ हो जाती है, मतलब नए उसके फैंस बनते हैं तो बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ बात बुरी लग जाती है उसको या उसकी वजह से किसी और रैपर को उनके बीफ स्टार्ट हो जाती है, लेकिन हम मेच्योर जब हो जाते हैं तो आई थिंक वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। सो अच्छा था ये डिस मेगा मैशअप, मुझे अच्छा लगा डिस कल्चर। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।